नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है साहिल वैद्य जी, जो कि थिएटर एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं और डबिंग आर्टिस्ट हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलाते हैं। साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ। और पता है, मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, आप जानती हो, कि आप हमारे शो पर आओ, मैं आपका इंटरव्यू लूं, और फाइनली यू आर हियर। मतलब ये कहें कि हम बहुत भाग्यशाली तरीके से। नहीं नहीं, ऐसा है नहीं है। मतलब आप, यू आर मेकिंग इट साउंड लाइक कि मैं आदमी मतलब बहुत एटीट्यूड वाला हूँ, बट सच ये है कि मेरे प्रोफेशंस, तीन चार प्रोफेशंस चलाता हूँ मैं। मुझे काम करना इतना पसंद है कि मुझे कहीं भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा खाली वक्त है तो मैं कुछ और पकड़ लेता हूँ करने के लिए। तो इसीलिए शायद मेरे पास ये इंटरव्यू वगैरह देने का टाइम शायद नहीं निकल पाता है, बट आई एम सॉरी इतना वेट करना पड़ा आपको। होपफुली आगे ऐसा ना हो, होपफुली आगे से इंटरव्यूज देने के लिए मैं अलग से टाइम डेडिकेट करके रखूंगा। लेट्स होप फॉर दैट। ओके साहिल जी, मेरा पहला आपसे सवाल है कि आप तमिलनाडु में आपका जन्म हुआ है और साउथ फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर बॉलीवुड की तरफ आपका रुख ऐसा क्यों? अब जो जहां किस्मत लेके आ गई, मैं आ गया, क्योंकि साउथ तमिलनाडु छूट गया था 1997 में। मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गया था, तो हम दिल्ली में भी रहे। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब तमिलनाडु में पला बढ़ा हूँ तो हिंदी विंदी जीरो थी। हाँ मतलब 10 थी, लेकिन फिर उसको 100 करने में टाइम लगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया, ऐसा तो है नहीं कि वर्क इन द तमिल फिल्म इंडस्ट्री। मैं तो पंजाबी भी बोलता हूँ, मुझे तो मतलब बाय बर्थ बाय ब्लड मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करना चाहिए। मेरी नानी जो है वो आगरा से थी, तो मुझे तो बल्कि यूपी में जो फिल्में बनती हैं उसमें भी काम करना चाहिए। मुझे, मैं हर लैंग्वेज में फिल्म करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू, मेरा काम एक्टिंग है यार, मैं क्यों अपने आप को लिमिट करूँ। बट किस्मत यहाँ थोड़ी सी खुली तो मैं हिंदी फिल्मों में काम कर रहा हूँ, मौका मिलेगा तो मैं तमिल फिल्में, तेलुगु फिल्में, सब करेंगे उसमें क्या। आपको कभी कभी मतलब साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जब तेलुगु हुई, मलयाली हुई, आपको कॉल आता है? वैसे ऑफर्स तो आते होंगे मुझे लग रहा है। ऑफर्स नहीं आते, बिकॉज हर जगह अपना एक अलग पोजीशनिंग करनी पड़ती है आपको। मैं, मेरा सारा ध्यान यहाँ लगा रहता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, कहाँ क्या बन रहा है। तो अगर ऊपर से मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ, मैं थिएटर भी कर रहा हूँ, मैं थिएटर में टेक भी संभालता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, मैं डायरेक्ट भी करता हूँ, मैं वॉइस ओवर्स भी करता हूँ, मैं वॉइस एक्टिंग भी करता हूँ, वो सब छोड़ के मैं अगर इस चीज में लग जाऊंगा कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है या साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उससे बेहतर यह है कि मैं खुद पे फोकस करूँ, मैं अपने काम में बेहतर होता चला जाऊँ। ख्याति फैलती जाएगी तो लोग बुलाते जाएंगे, और अगर बुलाएंगे तो हम तैयार तो हैं ही, है कि नहीं। आप धर्मा प्रोडक्शन के आई थिंक बहुत ही चहेते एक्टर हैं, क्योंकि जो भी धर्मा की फिल्म देखूं, हम टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, शेरशाह, आपका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है, और आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे एक्टर्स के साथ काम करके आप थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है, मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं हमेशा यही बोला है कि बहुत अच्छे लोग हैं यार ये लोग। मतलब मुझ में पता नहीं ऐसा क्या दिख गया जो 40-50 हज़ार और एक्टर्स के अंदर नहीं दिखाए ना, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड वो ऑलरेडी अपना एक मकाम बना के चल रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शंस इज क्वाइट अ सीरियस प्रोडक्शन, लगातार फिल्में बनाते हैं, उनको पता है फिल्में कैसे बनानी है और अच्छी फिल्में बनाते हैं। वो अगर सामने से मुझे बुला के तो इसमें उनका बड़ापन है, मेरी किस्मत है। मुझे बड़ा मजा आता है धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्में करके। मैं अभी तो 3 की है, मैं तो चाहता हूँ कि 10 और कर लूं, है ना। ये फिल्म, और बोलिए बोलिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी है कि धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्में देख के ही बाकी लोग मुझे कास्ट करते हैं, विच इज मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मुझे लगा मैं, मेरी कोई फिल्म फैमिली नहीं है, मेरा कोई बैकअप नहीं है, जिसे बोलते हैं ना, जिसे बैक नहीं है। तो मुझे लगा था कि मुझे नए प्रोडक्शन हाउसेस पहले मौका देंगे, देख देख के फिर मुझे धर्मा फिल्म्स जैसी, धर्मा प्रोडक्शंस जैसी प्रोडक्शन कंपनी में काम मिलेगा।
यहाँ उल्टा ही चल रहा है। धर्मा वाले मुझे बुला के एक फिल्म देते हैं, उसके बाद मुझे अगले 4 साल उस फिल्म को देख के बाकी सब लोग काम देते रहते हैं, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर अचानक धर्मा की एक और फिल्म आ जाती है तो सब लोग वो फिल्म देखते हैं और कहते हैं कि नहीं यार ये लड़का तो अच्छा है। जिन लोगों ने पहली फिल्म नहीं देखी होती उन्होंने दूसरी देखी होती है, जिन्होंने दूसरी नहीं देखी होती उन्होंने तीसरी देखी होती है, तो वो उसी हिसाब से फिर रोल देते रहते हैं, वो अपना इमेजिनेशन नहीं चलाते। आई थिंक इसीलिए धर्मा प्रोडक्शंस है, बिकॉज वो लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। मैं जब पहली बार धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस में गया था टेस्ट देने के लिए, तो मैं दिखने में बिल्कुल अनुराग कश्यप की फिल्म का एक्टर लगता था। मैं थिएटर से निकला हुआ था, मैं सीरियस रोल्स करना चाहता था, मैं एक्टिंग नहीं अभिनय करना चाहता था, है ना। तो उन्होंने रिस्क ही लिया एक तरीके से मेरे ऊपर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट ही किया मेरे साथ। लोगों को लगता है कि ये साहिल की स्पेशलिटी है कॉमेडी, साहिल का फोर्टे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। साहिल का फोर्टे एक्चुअली ड्रामा था, साहिल का फोर्टे एक्चुअली सीरियस कैरेक्टर्स करना था, बहुत ही डेप्थ वाले रोल्स करना था, बल्कि हम टीम मेरे साथ एक एक्सपेरिमेंट था। आपने शुरुआत में लाइक कांची फिल्म हुई सुभाष घई सर की, बिट्टू बॉस, ये आपने शुरुआत में काफी यू नो छोटे छोटे कैमियो कैरेक्टर्स किए, फिर आफ्टर देन हम्टी शर्मा में एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग रोल, देन एक तरीके से आपको बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मिलते गए, तो एक कैमियो कैरेक्टर से लेकर एक बेस्ट सपोर्टिंग तक आपका ये कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ा? बेस्ट सपोर्टिंग तो आप यू मेकिंग इट साउंड लाइक एन अवार्ड, बेस्ट सपोर्टिंग तो कभी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि पहले मेरे पास कोई चॉइस थी यार, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है कि आपको जो मिलता है वो आपको कर लेना चाहिए, बिकॉज आप किसी बड़े बाप की औलाद तो हो नहीं कि कोई आपके ऊपर सट्टा खेलेगा या आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा, कोई रिस्क लेगा। आप पहले दिन की शूटिंग के बाद दूसरे दिन पहुंचे ही नहीं सेट के ऊपर, तो आपको कोई कहाँ ढूंढने जाएगा, कौन हो आप, आप कोई भी नहीं हो। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि मुझे शुरू में वो छोटे रोल्स भी मिले, बिकॉज थोड़ा सा प्रोडक्शन हाउस के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच के देखो कि अगर कोई नया बंदा उनके पास जाके बोले कि मुझे आप हीरो ले लो, अगर वो उनको हीरो ले भी लें और 3 दिन बाद वो आदमी गायब हो जाए इस खुशी में कि उसे हीरो का रोल मिल गया, वो कहीं पी पा के गिर गया, ऐसे नहीं होता है। एक एक्टर के कंधे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक दिन की शूटिंग बहुत महंगी होती है, बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे लाइट के क्रू मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, उन सबको प्रतिदिन पैसा देना पड़ता है हाथ में, तब वो आकर के सेट पे खड़े होते हैं कि चलिए हम आपकी फिल्म पे काम करने के लिए राजी हैं। उसमें अगर एक्टर ही गायब हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, 3 दिन का जो पहले जो शूट कर चुके हैं उसका भी पैसा जाएगा। तो ये लोग सोचते नहीं है, लोगों को लगता है कि हम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, हमको क्यों नहीं लिया जा रहा। इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि आपके ऊपर अभी किसी को भरोसा नहीं। आप थोड़ा वक्त बिताइए इंडस्ट्री के अंदर और लोगों को भरोसा दिलाइए कि आप ना सिर्फ अच्छे एक्टर हैं बल्कि आप एक क्रेडिबल एक्टर हैं। वो कमर्शियल वायबिलिटी वाली बात तो बहुत दूर है कि आपके नाम पे टिकटें बिकने लग जाएं, बहुत दूर है। पहला स्टेप है कि आप अच्छे एक्टर हो, दूसरा स्टेप है कि आप क्रेडिबल एक्टर। कल को किसी प्रोड्यूसर को ऐसा नहीं होना चाहिए यार मालूम नहीं कि ये आदमी कल सुबह आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे एक्टर्स आते हैं और चले जाते हैं। कभी कभी फिल्म वो लोग बंद भी कर देते हैं, कहते हैं कि यार इस आदमी के साथ और 3 दिन भी शूटिंग करना बहुत मुश्किल है, हम किसी और को लेके बना लेते हैं, जो नुकसान हुआ होगा उसकी भी भरपाई हो जाएगी। तो हम एज एक्टर्स वो नहीं सोचते कभी भी, हम सोचते हैं कि हाँ यार हम एक्टर हैं, हम तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर मैं थिएटर प्लेस की बात करूं तो आपने सलीम आरिफ जी जैसे, नसीर सर जैसे आपने थिएटर यू नो डायरेक्टर के साथ आपने काम किया है। मैं एक बात व्यूअर से बोलना चाहता हूं कि साहिल जी से मेरा काफी पुराना संबंध है, क्योंकि हमने एक्टिंग डिप्लोमा एक ही कॉलेज से लिया है जो कि विस्ली मुट्स इंटरनेशनल है, सुभाष घई जी का है, और ये मेरे सीनियर रहे हैं और मैं काफी जूनियर रहा हूँ,
और काफी इनसे मतलब सलाह भी मुझे मिलती रहती है एक्टिंग के बारे में और थिएटर प्ले कह सकता हूँ जी? मैं आपसे कह सकता हूँ कि जिस स्कूल में आप पढ़े हैं मैं उस स्कूल का बैक बेंचर रह चुका हूँ। साईं जी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब कोई एक स्ट्रगल या नया एक्टर इंस्पायरिंग एक्टर आता है तो खासकर विस्लिंग वुड से या आउटसाइड फ्रॉम द विस्लिंग वुड हम एक एग्जांपल देते हैं कि साहिल वैद्य को देखो, ही इज नॉट फ्रॉम द यू नो फिल्मी बैकग्राउंड बट आज देखो कि किस पोजीशन पे वो आप हमारे नहीं, बहुत से हैं विस्लिंग वुड से, बहुत से हमारे एक्टर्स काफी सक्सेसफुल हैं। अहाना कुमरा है जो मेरी सीनियर है, अनिल चरणजीत है जो मेरा जूनियर है, अरु है वो मेरा, दिव्यांग ठक्कर है जो अभी जयेश भाई जोरदार फिल्म डायरेक्ट कर रहा है, शशांक खेतान जो मेरा सीनियर है जो एक्टिंग स्टूडेंट था जो अब डायरेक्टर बन गया बहुत ही बड़ा, सौरभ गोयल है, काफी सारे एक्टर्स हैं, काफी सारे प्रोफेशनल्स हैं। सिर्फ एक्टर्स को क्यों देखते हो आप, डीओपीज हैं जो सारे ही काम कर रहे हैं, साउंड डिजाइनर्स हैं, ऑडियोग्राफर्स हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, अपने एडिटर्स देयर नितिन बैद एक था जो शायद विस्लिंग वुड्स का स्टूडेंट रहा है लेकिन पास आउट नहीं हुआ था, वो ड्रॉप आउट कर गया था। तो क्या है कि क्राफ्ट बहुत लोगों ने वहां से सीखा है और मतलब हम आपस में भी एक दूसरे को वहीं मिले, तुम भी मुझे वहीं मिले थे, तो हमने अपनी एक दुनिया बना ली थी थोड़े टाइम के लिए, हम फिल्म स्कूल जाते थे, काफी कुछ सीखते थे वहां। सबसे बढ़िया चीज ये हुई कि हमें अलग अलग डिपार्टमेंट के काम सिखाए गए, हमने साउंड सीखा, एडिटिंग सीखी, हमने डायरेक्शन सीखा, राइटिंग सीखी, हमने कैमरा सीखा। वो 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 इतना जरूरी था, हमें पता नहीं था उस वक्त वो इतना जरूरी होगा, क्योंकि वो इतना जरूरी था। वो करने के बाद हमें एहसास हुआ कि बाकी लोगों का सेट पे जो बाकी के प्रोफेशनल्स हैं उनका काम कैसे होता है, उस काम को समझने के बाद हम अपना काम उनके हिसाब से करने लग गए। तो that is something that made us better professionals. हम अपने काम में और बेहतर होते चले गए, तो ये जरूरी है। जैसे काफी विस्लिंग वुड्स के स्टूडेंट्स थे जो कि एक तरीके से एक्टर बनने के लिए आए थे, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल मैं शशांक खेतान की बात करूं, एक फेमस डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तो उनके अलावा और भी हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि एक्टिंग के अलावा मैं थोड़ा सा कभी एज ए डायरेक्शन, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर भी मैं ट्राई करूं साथ में, कभी फीलिंग तो आती होगी? हाँ नहीं, बिल्कुल लगा, मेरे को शुरू से ही लग रहा है कि कभी ना कभी डायरेक्शन प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, बिकॉज जब आपको कुछ काम आता होता है तो उसको करने की खुरक बहुत होती है, वो खुजली है, डायरेक्ट करूंगा मैं, प्रोड्यूस भी करना पड़े तो आई थिंक मुझे अपनी खुद की ही फिल्म प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, बिकॉज जिस तरह का मैं डायरेक्टर बनने वाला हूँ मेरे प्रोड्यूसर्स पागल हो जाएंगे। साहिल जी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी कौन-कौन से हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? मैंने एक फिल्म की है अभी जिसका क्लाइमैक्स शूट होना बाकी है, तो उसका नाम है सुस्वागतम खुशामदीद, उसमें पुलकित सम्राट है, इजाबेल कैफ है, वो आएगी जब आएगी, बिकॉज वो लॉकडाउन की मारी फिल्म है, वो काफी टाइम से कभी जब हम शूट करने निकलते हैं तब एक लॉकडाउन आ जाता था। उसके अलावा एक फिल्म है छत्रपति जो मैंने कम्प्लीटली तेलुगु क्रू के साथ शूट की है, हैदराबाद में ही शूट की है, उसमें साय श्रीनिवास बेलमकोंडा लीड में है और अपनी नुसरत भरूचा लीड में है, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है, वो है हिंदी फिल्म ही बट वो कम्प्लीटली तेलुगु क्रू ने बनाई है, तो उससे मिस्टर बेलमकोंडा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो साई के फादर हैं, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उसकी डेब्यू करने की कोशिश है, होपफुली वो सक्सेसफुल होगी। उसके अलावा मैंने श्रीराम राघवन की फिल्म के अंदर एक कैमियो किया है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैमियो है, आई डोंट नो मैं उसके बारे में कुछ बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा बट है। साहिल जी, ये फिल्मों की तरफ ये रुझान कहां से शुरू हुआ आपका, मतलब आपको कब लगा कि मुझे तो एक्टर बनना है? मुझे और कुछ याद ही नहीं है यार, जब से होश संभाले तब से एक्टर बनने की कोशिश की है, और लोग ऐसा डायलॉग मारते हैं लेकिन ये मेरे साथ ये बात सच है, तो आई वोंट बी एबल टू टेल यू कब से, बट
आई थिंक मैं 3 साल का था तब से ही यही सब कर रहा हूँ मैं, क्लास से निकल के भाग के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यू नो कभी कोई प्ले चल रहा है कभी कोई प्ले चल रहा है, उसके अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता था। ऐसा नहीं था कि मैं खराब स्टूडेंट था, मैं स्टूडेंट भी अच्छा था, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक ठाक था, बट मेरा मन नहीं लगता था, मुझे यही अच्छा लगता था, स्टेज पे जाओ कुछ करके दिखाओ, लोगों को खुश करो, लोग ताली बजाएं, बड़ा मजा आता था। साहिन जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप अपने इंस्पायरिंग जो एक्टर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उन सभी को यही सलाह देना चाहूंगा कि देखो भाई मैं भी वही हूं जो आप हो, अगर आपको नहीं लगता तो चलो ठीक है, आसान शब्दों में मैं ये कि आप हो तो आजकल अचानक 2-3 फिल्में एक जैसी ऐसे आने लगी हैं जिसमें एक क्रिकेटर है प्रवीण तांबे, उनके ऊपर फिल्म बनी है अभी, बहुत अच्छी मुझे बात लगती है कि वो 41-42 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया। तो हमारा काम ऐसा है यार कि इसमें कोई कोई एज नहीं होती कि इस उम्र में कामयाबी मिलेगी आपको, तो आपको लगे रहना जरूरी है, और हम खुद को हमेशा ही अच्छा एक्टर समझते हैं, लेकिन आई थिंक थोड़ा सब्र करो, आप अगर अच्छे हो तो इस दुनिया में ये हमेशा आपसे बेहतर कोई ना कोई होगा उसी कैरेक्टर के लिए उसी पार्ट के लिए, तो धीरज रखिए और धीरज के साथ साथ तैयारी रखिए, मैं यही नसीहत दे सकता हूँ, और ये नसीहत हमेशा काम आई है, मुझे भी जब किसी ने ये नसीहत दी है मुझे भी बार बार ये नसीहत कोई देता रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये नसीहत दे रहा हूँ। हार माननी है तो हार मान लीजिए, लेकिन अगर कामयाबी चाहते हैं और लगे रहना चाहते हैं तो धीरज बहुत जरूरी है, धीरज और तैयारी, हमारा काम ही यही है, इंतजार करना और तैयारी करना। साहिन जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने अपने साथ जुड़ा जी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई शख्सियत के साथ, नमस्कार।